हाय फ्रेंड्स, दिस इज विकास इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आज फिर आपका स्वागत है। और आज हम सबसे बड़ी बात करेंगे कि ये हमारे साथ एक मेरे दोस्त हैं जो इन्होंने अर्बन कंपनी से अभी ट्रेनिंग लेकर आई है। तो पूरी प्रोसेस कि इन्होंने यहाँ पर पढ़ा और कितने दिन तक पढ़ा, ये इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में कितने दिन तक पढ़ा और पढ़ने के बाद इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू देने के बाद इन्होंने कैसे फेस किया, वहाँ ट्रेनिंग कैसे की है और आज इनको एक जॉब मिली है जो अर्बन कंपनी एसी ग्रुप में मिली है, ठीक है। तो और इनका सामान भी आया तो मैं सब कुछ दिखाता हूँ और इनसे बात भी कराता हूँ, इनके कहाँ नाम है, कहाँ से हैं, ये सब कुछ दिखाता हूँ। तो चलिए इनसे मिला कर रहा हूँ आपसे। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। बेगूसराय से बताइए राकेबुल, यहाँ सबसे पहली बात की बताइए कि यहाँ कितने दिन तक पढ़े और क्यों यहाँ पर, आपको कैसे पता चला कि ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर सबसे बढ़िया है। एक मेरे फ्रेंड है वो, उसी के थ्रू मुझे पता चला और यहाँ मैं 2 महीना सिर्फ इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिया, उसके बाद और यूसी में मुझे कोई फ्रेंड ही लिंक शेयर किया, उस लिंक पे जाके वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट बुक किया, फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में भी बहुत सारा सवाल पूछा गया था जिसे जो टेक्नीशियन है वही सिर्फ जवाब दे सकते हैं। एक भी ऐसा बताइए जो आपको पूछा गया हो। तो वो पहले तो वायरिंग करवाए थे एसी का, उसके बाद ब्रिजिंग, बैक प्रेशर डलवाना, ये सब भी, वो सब सिर्फ स्क्रीनिंग में चला। स्क्रीनिंग पास करने के बाद फिर 8 दिन का ट्रेनिंग मिला है, उस ट्रेनिंग में पास होने के बाद आज मेरा यहाँ सामान आया है। सामान भी आ गया नहीं जी, ये पूरा देख रहे हैं कि इनका सामान भी आ गया है। इनका ही नहीं, इनका एक और दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, इनका भी सामान आ गया है, मैं इनको भी दिखा दूँ। और ये भी ट्रेनिंग करके जस्ट लाइक आए हैं, इनका 4 दिन हो गया कम से कम। तो ये बताइए कि यहाँ जो आपको नॉलेज मिला, यहाँ जो आपकी पढ़ाई हुई है, तो यहाँ पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि मतलब आपको लगा कि शुरू में जब पढ़ रहे थे तो आपको लगा कि आप यहाँ से फेस कर सकते हैं कोई भी इंटरव्यू? एक्चुअली मुझे नॉलेज नहीं था कि यहाँ ट्रेनिंग देने के बाद, यहाँ पढ़ने के बाद कि हम स्क्रीनिंग पास कर पाएंगे, फिर ऐसा कि मतलब जिसका एक्सपीरियंस 10 साल का है उसके सामने फेस कर पाऊँगा। बट वहाँ जाने के बाद 8 दिन ट्रेनिंग देने के बाद ऐसा लगा टॉप 3 में हम थे, उस बैच में टॉप 3 में थे जिसका नॉलेज के जो होता है उसमें एक्सपीरियंस का है, वो भी यहाँ सारा आप देख सकते हैं, हर जगह AC 10-20 यहाँ लगा हुआ है, सारा ट्रेनिंग भी यहाँ मिल चुका है। जब दिखाने के बात की है तो चलिए दिखा देते हैं। लेकिन ये है आपका फैन मोटर का क्लास, ये फैन मोटर यहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं जो अजीत सर हैं। अभी छुट्टी ये क्लास चल रहा है क्योंकि 11:30 बज गया है, तो सर जो लड़के थोड़ा बहुत बच गए हैं उनको जो छूट गया उनका कोर्स करा रहे हैं। तो अजीत सर, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि एक जगह पटना से तो लोग आते नहीं हैं, बहुत दूर दूर से लड़के आते हैं, तो क्या रहने और खाने का भी व्यवस्था है क्या यहाँ? बिल्कुल, रहने और खाने की भी व्यवस्था हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं और उनको कम रेट में, यानी कि जो होता है कि कहीं जाएंगे तो ये 4,000-5,000 का रूम रेंट लेकर के ही रहेंगे, लेकिन हम उस चीज़ को क्या किए हैं 2500-1500-1200 में ही दिवा करके इन लोगों को प्रोवाइड करवा दें। इतना कम रेट में आप सबको रूम दे रहे हैं, ये तो सब लड़के के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मैं बात करूंगा AC क्लास में भी, लेकिन पहले अभी AC क्लास नहीं, बस इनका सामान देखने आए हैं। और प्लीज़ आप दिखाइए कि इसमें क्या क्या ऐसा आया है, जो कितना पैसा लगा था अर्बन में? 2000 पहले स्क्रीनिंग से पहले लिया, फिर उसके बाद 16,000, टोटल 18,000 लिया गया। 18,000 वैल्यू का सामान इसमें है, वो आप अभी हम देखेंगे। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 18,000 का सामान है कि नहीं, क्योंकि अर्बन कंपनी इनसे पूरा टोटल 18,000 रुपया ली है। और 18,000 के बाद इन्होंने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग पास करने के बाद इनको एक सामान इतना सारा आया, तो देखते हैं इसमें क्या क्या इतना सामान जो है। एक देख रहे हैं कि दोनों पैकेज यहाँ पर लगे हुए हैं, अभी खुला भी नहीं है, ये खोल लग रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इनका ये पैकेज जो है खुल चुका है और इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले AC क्लेम मीटर रखा है, नहीं AC क्लेम मीटर आया है, खोलिए देखिए कैसा है AC क्लेम मीटर आपका, क्योंकि सब खोलकर वीडियो भी बनाना होता है प्रूफ के तौर पर कि मेरा क्या सामान खराब है या क्या बढ़िया है, तो पूरा सब कुछ दिखाना होता है। तो चलिए कुल मिलाकर देख रहे हैं कि AC क्लेम मीटर ये ब्लैक वाला आया है जो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप अगर आप एक टेक्नीशियन है तो आप देख सकते हैं कि ये AC क्लेम मीटर जो है वो कैपेसिटर वगैरह सब कुछ इससे जांच कर सकते हैं, अच्छे क्वालिटी का लग रहा है ना, बैटरी उटरी सब कुछ दिया हुआ है, टेम्परेचर चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि ये सब कुछ दिया है। और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, और क्या ये सब निकालिए, थोड़ा इसको अलग रख, उस पर रखते जाइए। हाँ, ये देखिए, ये
ये टेक्नीशियन के लिए एक यहाँ पर बैग आता है जो बहुत बड़ा होता है, तो आप देख सकते हैं ये बैग भी एक है जो हैवी है, हैवी लग रहा है कि पूरा हैवी है, नहीं जी क्या लग रहा है? इसमें सामान कितने केजी तक जा सकता है? 30-35 किलो तक कम से कम है। मैक्सिमम 40 केजी तक, यानी कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा तो ले नहीं जा सकते हैं कहीं पर, है ना? और बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं कि लार्ज कलर में है, लार्ज पूरा है, नहीं नहीं। चलिए ये बैग आप देख लिए, उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर और क्या है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और भी सामान है, ये क्या है? मैनिफोल्ड गेज मीटर। देखिए मैनिफोल्ड यहाँ पर है, यहाँ पर अब इसको भी आप निकाल कर देख सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी इसकी कैसी है, क्योंकि देखिए अर्बन जो लेता है पैसा ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैनिफोल्ड भी खुल चुका है, और मैनिफोल्ड में देखते हैं कि कौन सा एक तरफ का, ये 500 तक है। कितने PSI का है? 500 तक। और ये कितने का है? 250 तक, मतलब हाई और लो दोनों दिया हुआ है, नहीं? इसमें वायर भी दिया होगा, 22, 32, 410 सब दिया होगा, नहीं? देखिए तीन वायर भी दिया हुआ है, ये वाला थोड़ा हाई क्वालिटी का वायर नहीं दिया हुआ है, जो पाइप इसका है। चलिए कोई नहीं, फिर भी बहुत बेहतर है, जो जितना क्वालिटी है। देख लेते हैं सब मिलाकर के कौन सा वायर कैसा है, क्या चीज़ें इसमें दी हुई है। अब आता है यहाँ पर फोम, जिस फोम के लिए चर्चा हुई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मेरा फोम सही नहीं है, चार फोम दिया हुआ है, इसको खोलकर निकालना होता है, क्योंकि इसमें का फोम देखना पड़ता है कि इसका फोम निकल गया है कि इसमें बचा हुआ है। तो देखते हैं कि इसका फोम कैसा है, बचा हुआ है अभी है कि या गिर गया। हाँ, क्योंकि सबको लड़का जो भी निकाला है सब देख रहा है कि सर इसका फोम नहीं। देखिए अभी तक ये पैकेज है, इसमें थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये देखिए सील पैक है, इसमें सब बारकोड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, है ना? चारों का चारों एकदम सही है, टंच है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए ये, देखिए ये सेफ्टी बेल्ट, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के टेक्नीशियन जो है वो सेफ्टी बेल्ट का यूज नहीं करते हैं, और आपको अर्बन में यही सिखाया जाता है। क्यों मैं ये तारीफ़ कर रहा हूँ अर्बन का, क्योंकि कम पैसा में और बेहतर काम दे रही है। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं ना कर रहा हूँ जी। अब ये क्या है? ये देखिए ये जैकेट आया है, वाश जैकेट, जो आप एसी में डालकर, जैसे स्प्लिट एसी होता है उसमें डालकर पहनाकर उसको वाश करते हैं तो बहुत बेहतर होता है, वाश जैकेट है। इसके खोलेंगे बाद में, थोड़ा पहले देख लेते हैं वो क्या है। क्रीम अपने दो आया है, एक सैनिटाइजर आया हुआ है और एक दिया है पॉलिश। ये पॉलिश दिया है ताकि आप एसी पर जो सर्विस करते हैं, सर्विस करने के बाद ये पॉलिश भी कर लीजिए, पॉलिश करने से शाइनिंग आता है, ये बेहतरीन के लिए, ठीक है? इतना कम पैसा में इतना सारा कुछ, बहुत बढ़िया है। ये ग्लव्स आपका हो गया, देखिए ग्लव्स भी आया, ग्लव्स पहनकर आप काम करने जाएंगे तो बेहतर है, ग्लव्स भी, हैंड ग्लव्स। देखिए और ये दिखाते, देखिए यहाँ पर टी शर्ट वगैरह आया होगा, देखिए ये ग्लव्स आया है, जो ग्लव्स आप पहनकर बहुत बढ़िया, सॉफ्ट है बहुत। अब यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपका इन यूनिफॉर्म जो आया है टी शर्ट के साथ, उसमें क्या क्या आया है, कितने टी शर्ट आए हैं। ये लाइटर एक आया है, जो देखिए लाइटर भी दिया हुआ है कि ताकि आप कभी काम करने जाएं। यहाँ पर टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है कि इनका टेम्परेचर सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, ये दिया। और उसके बाद क्या क्या दिया? देखिए पीसीबी कवर, पीसीबी कवर के लिए बड़ी बात हुई है कि पीसीबी कवर पहले नहीं आता था, किसी भी किट में पीसीबी कवर नहीं आता था, लेकिन इस बार पीसीबी कवर भी आया है। और उसके बाद ये देखिए, ये रूम टेम्परेचर जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो भी दे दिया इस बार। और इसके बाद ये इसकी बात हम करेंगे जरूर, इसको उठाइए, क्योंकि ये जो होता था सर्विस कभी भी होता था तो क्या होता, वाटर लीकेज का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता था। तो ये ब्रश जो दिया हुआ है, उसको ड्रेन के अंदर जो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो स्पेस होता है जो पानी निकलने के लिए, उसी में अगर कोई कचरा फंस जाता है जिससे के कारण क्या होता है, वाटर लीकेज का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। तो अब इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। आप इसको पहले स्क्रू ड्राइवर या कोई चीज़ पतले चीज़ से उसको क्या करते थे, उसको निकालते थे, लेकिन अब ये ब्रश की सहायता से आसानी से आप निकाल सकते हैं उसके जो कचरा फंसा हुआ। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ये तीन गो प्रो के लिए टी-शर्ट अब आया है, तीन गो प्रो के लिए टी शर्ट के, दो गो एगो एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल दो ही चल रहा है, दो टी शर्ट प्रो के लिए और दो टी शर्ट। देखिए इनमें एक एक्स्ट्रा आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं कि जो एक्स्ट्रा आया, जो वीडियो बना रहा है उसको मिलेगा, क्योंकि ये तीन एक्स्ट्रा, एक उसमें जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, वो एक जो वीडियो बना रहे हैं उनको मिलेगा, क्योंकि दो प्रो के लिए था और दो इनके हेल्पर के लिए। जो हेल्पर का टी शर्ट इस बार दिया है व्हाइट में और ब्लैक में दिया हुआ है,
आपके प्रो के लिए, तो 3x5 टी शर्ट आया है और उसमें क्या है? मास्क। देखिए मास्क आया, मास्क इसलिए आया है कि मास्क विदाउट मास्क पहनकर आप काम नहीं कर सकते हैं, तो मास्क इस बार भी दिया गया। तो कुल मिलाकर अब आते हैं जो इसमें मेन है, जो जेट पंप, जेट पंप की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका अर्बन का जेट पंप सबसे तगड़ा आ रहा है, सब लड़का यही तारीफ कर रहे हैं कि सर जेट पंप सबसे बढ़िया आ रहा है। तो अब लास्टली बचा है जेट पंप, और जेट पंप को देखेंगे कि मेरा जेट पंप कैसा है, इसमें क्या क्या दिया है। इनपुट और आउटपुट पाइप के साथ साथ ये लगा होता है, तो मैं देख लूँ कि इस क्या दिया हुआ। तो जल्दी से थोड़ा खोलिए इसको। चलिए तो हम खोल चुके हैं और हम इसको देख रहे हैं, आपको सब कुछ बारीकी से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी अगर अर्बन में काम करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। देखिए ये गन का पार्ट है, ये गन में लगेगा, ये सब कुछ सेट होगा, सेट होने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसा है। उसके बाद आप यहाँ पर दिया है आउट, यहाँ से जो हम लोग इनलेट लेते हैं, जो पानी भरते हैं इसमें, वो सब चीज़ें इसमें पाइपिंग में फिट होगी, सब फिट करने के बाद ये पता आपको चलेगा। अब ये निकल रहा है पाइप इसका, देखिए गन ये है, गन को खोलिए थोड़ा दिखाइए गन कैसा है। गन देखिए, ये गन दिया हुआ है, इसका पाइप दिया हुआ है, गन पाइप, और ये जेट पंप दिखाइए। हाँ इनलेट का ये है, देखिए पाइप का जो पानी हम इसमें, हाँ अब ये हुआ आपका जेट पंप। कितने वाट का है देखें, 1500 वाट का आता है ना ये। ये देख लीजिए जेट पंप कितने वाट का है, इसको थोड़ा पन्नी हटाइएगा, आप देख सकते हैं कि कितने वाट का दिया हुआ है, 1500 वाट का देखिए दिया है, और आपका 6 लीटर मिनिमम नहीं तो 1500 वाट का यहाँ पर जेट पंप आया है इनका। और बस अब लास्टली बात करेंगे कि आपको ये सामान जो भी देखे, आपको जितना इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ था, क्या सब कुछ इसमें है? जी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है जी, कोई डाउट इसमें? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये जितना भी सामान आया है कि कोई बात कहना चाहेंगे अर्बन से? जी पहले मुझे लड़का अगर आपसे, कोई अगर लड़का आपसे पूछेगा कि कहाँ से पढ़कर गए हैं और आपको इतना जल्दी जॉब मिला है, तो क्या कुछ उनके बारे में बताइए? पटना में जंक्शन के पास से करबिगैया, वहाँ ITT इंडिया टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ये हमसे मेरे सामने विकास सर हैं, आप इनकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये भी हैं इनके और पार्टनर्स भी हैं, वो सब यहाँ क्लास लेते हैं, बहुत अच्छी लेते हैं, ये भी टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन हम लोग के लिए, हम जो काम हमसे अगर फंस जाए तो यही लोग ठीक करें, तो इनका दोनों काम है, यहाँ इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं और भी साथी इनका है, आप देखें दूसरी जगह क्लास चल रही है वहाँ भी आप देखें। ये देखिए ये इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का ये है आपका ऑफिस, आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ पर PCB का क्लास चलता है, केवल PCB का क्लास रुपेश सर लेते हैं, और जो मैं लेकर आपको चलता हूँ AC का क्लास। तो फाइनली हम आ गए हैं AC के क्लास में, और हम आपको बस दिखा दें, सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूँ दया सर को जो क्लास ले रहे हैं। दया सर अभी एट अ टाइम हम लोग चला रहे हैं, जो अर्बन में लड़का ज्वाइनिंग किया है, तो बस उन्हीं को सामान दिखा रहे थे, तो बस 2 मिनट मैं दिखाना चाहूँगा आपके AC का क्लास को, बस दो लाइन में कुछ भी कहना चाहें। नहीं बस यही कि उधर से पहला थ्योरी क्लास करना, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल, इन दोनों साथ साथ चलेंगे, और कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक करवा जाएंगे, 100% जॉब मिलेगा आपको, 100% हाँ कंप्लीट आप करवा जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है, AC का पूरा AC यहाँ पर, जितना AC देख रहे हैं, अभी एक अलग और भी सर का संस्था है, अभी एक सेकेंड मैं दिखा दूं कि प्रैक्टिकल चल रहा है इस सेशन में, तो प्रैक्टिकल ही रूम है ये, देखिए आप देख सकते हैं सब लोग प्रैक्टिकल में जुड़े हुए हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? गैस बैग कर रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पर काम लगा हुआ है, मीटर वोटर लगा हुआ है। तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ से? यस सर, पक्का सर, गर्दा उड़ा देंगे। अच्छा अच्छी बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गर्दा उड़ा देंगे, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।